24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। बकरीद और रक्षाबंधन जैसे त्यौहार को देखते हुए शुक्रवार को रांची पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर फ्लैग मार्च किया। जिला प्रशासन की तरफ से निकला यह फ्लैग मार्च अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक तक गई और फिर वापस आई। कोतवाली डीएसपी अजित कुमार विमल ने बताया कि फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य त्यौहार की सुरक्षा को देखते हुए किया गया है। वहीं लोगों से त्यौहार में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने को भी आग्रह किया गया। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त को बकरीद और 3 अगस्त को रक्षाबंधन है, ऐसे में अपनी सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासन के तरफ से यह पहल की गई है। बहरहाल बकरीद को लेकर आज बाजार में भीड़ रही है। वहीं जगह जगह पुलिस कर्मी सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते नजर आए। रांची ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा हो, लोग भयमुक्त वातावरण में होकर के अपने त्योहार का अनुपालन करें, त्योहार मनाएं। साथ ही साथ हम लोग एक संदेश भी दे रहे हैं इस त्योहार में कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग